हाय गाइज, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, मैं एक नए मेडिकल कॉलेज के बारे में वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसके बारे में काफी डिमांड रहता है, जो कि है एरा मेडिकल कॉलेज, जो कि हमारा लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो ये कॉलेज एक माइनॉरिटी कॉलेज है। माइनॉरिटी कॉलेज और नॉर्मल कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है? माइनॉरिटी कास्ट हम पहले किसको कहते हैं, पहले हम ये समझा देता हूँ। जैसे माइनॉरिटी इसको कहते हैं, जैसे लाइक जो एक टोटल, जैसे कोई टोटल मान लीजिए इंडिया में है, तो जो कास्ट कम प्रेजेंट होता है नॉर्मल कास्ट से, जैसे हिंदू कास्ट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है हमारे इंडिया में, मुस्लिम कास्ट कम प्रेजेंट है, तो मुस्लिम कास्ट को हम इस सेंस में माइनॉरिटी कहेंगे, माइनॉरिटी के लिए। तो ये कॉलेज जो है ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। ठीक है, तो माइनॉरिटी कॉलेज हम इसी बेसिस पे माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस को डिवाइड करते हैं। अभी जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें कोई माइनॉरिटी कॉलेज नहीं था ऐसा कुछ, उसमें वो सब नॉन माइनॉरिटी कॉलेज थे। अभी जो मैं बता रहा हूँ एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ के बारे में, वो कि एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। तो यार, वीडियो शुरू से करने से पहले मैं अपने एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैं अपनी साइट पे एक फीचर लेके आया हूँ कॉलेजेस कंपेयर करने का। जैसा कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने डिमांड किया था कि अगर आपके साइट पे कंपेयर करने वाला फीचर आ जाता है तो काफी बेस्ट होगा वो, तो मैं इसी को देखते हुए मैंने एक फीचर लेके आया है। तो आप अगर, मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ आपको साइट पे, ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। तो अगर आप स्क्रीन में देखें तो पहले आपको नॉर्मली accidentaldoctor.in पे आ जाना है। ठीक है, अगर मैं बेस से बताऊं एकदम, तो पहले आप accidentaldoctor.in पे आएंगे तो आपको ये पूरी मेरी साइट दिखेगी। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सप्लोरिंग टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर किया आपने, फिर यहाँ पे आपके, जैसे मैंने ये एरा मेडिकल कॉलेज की बात की जो कि यूपी का कॉलेज है, तो और हम स्टेट्स ऐड कर रहे हैं जहां जहां की हमें डिटेल्स मिल रही है, तो आपको यूपी पे क्लिक करना है। यूपी पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है, जैसे आपको मान लीजिए तीन, हम मैक्सिमम तीन कॉलेजेस कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको राम मूर्ति, मायो एंड एरा कंपेयर करना है। ठीक है, जिसका मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरा बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये तीनों पे कंपेयर पे नीचे प्रेस करने के बाद आप यहाँ साइड में जो बटन है, राइट साइड में, राइट टॉप पे जो बटन है कंपेयर, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप कंपेयर करके आपको बता देगा कौन सा बेस्ट है और किसमें क्या है। तो इसमें देखिए हमने ये भी फीचर डाला है, हाईलाइट होके जा रहा है, जो जिसमें एकोमोडेशन कम है वो हाईलाइट होके आ जा रहा है। जैसे मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दो लोग का एकोमोडेशन है, बाकी एरा और राम मूर्ति में तीन लोग का एकोमोडेशन है, तो वो उस हिसाब से पूरा कंपेयर करके दिखा दिया। आप देख लीजिए तीनों का कट ऑफ आप कंपेयर कर सकते हैं, कट ऑफ फर्स्ट राउंड का और कट ऑफ ये। अगर आपको ये फीचर बढ़िया लगा हो, जो कि आउट ऑफ कॉस्ट, इसका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं बंद कर दे रहा हूँ स्क्रीन। तो अगर आपको ये फीचर बढ़िया लगा हो तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट अपना ज्यादा से ज्यादा दिखाइए, ताकि हम और फीचर्स ऐसा ला सकें। ठीक है, तो अब चलिए मैं आगे कॉलेज के बारे में शुरू करता हूँ। ठीक है, एरा मेडिकल कॉलेज के बारे में सब कुछ बताना। तो एरा मेडिकल कॉलेज में पहले तो एसी और नॉन एसी दोनों उपलब्ध है। ये एक लखनऊ में यहाँ पे कॉलेज स्थित है। ठीक है, एकोमोडेशन पर रूम की बात करूं तो इसमें तीन लोग का एकोमोडेशन है पर रूम में। कैंपस साइज की बात करें तो कैंपस इसका 65 एकर्स में फैला हुआ है। कट ऑफ अगर पहले राउंड की बात करें तो 191 जाता है, दूसरे राउंड की बात करें तो 343 गया था इसका कट ऑफ। एस्टेब्लिशमेंट इसका काफी पुराना है, तो पेशेंट फ्लो इसमें काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। ठीक है, लॉन्ड्री की बात करें तो लॉन्ड्री यहाँ पे आपको 12 रुपीज पर क्लोथ के हिसाब से लॉन्ड्री मिल जाता है। टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट इसमें कुछ 150 सीट्स है। ठीक है, अगर इसकी ट्यूशन फीस की बात करें तो इसमें ट्यूशन फीस है 16,60,000। उसके बाद 8% इसमें एनुअल इनकम देखने को मिल जाता है। अगर आपको इस कॉलेज के बारे में इंटरनल डिटेल्स वगैरह और डिटेल में जाननी है तो आप हमारे प्लान ए को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम कॉलेजेस का इंटरनल डिटेल्स भी बताते हैं। अब इंटरनल डिटेल्स कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो एक बार क्लियर कर देता हूं। इंटरनल डिटेल्स में हम वो चीजें बताते हैं जो आप कॉलेज में जाने के बाद आपको पता चलती है। जैसे मान लो आप किसी कॉलेज में गए तो उसमें ये हो रहा है कि उसका पासिंग परसेंटेज नहीं सही है, उसमें मैक्सिमम लोगों को फेल करते हैं, या जैसा भी उसका सीन है, तो उसमें ये होता है कि हम पासिंग परसेंटेज के हिसाब से भी उसको डिवाइड किए हैं। एग्जामिनेशन चार्ज होता है जो कॉलेज में जाने के बाद पता चलता है, एग्जामिनेशन चार्ज। उसके बाद नंबर ऑफ सप्ली हम बताते हैं उस कॉलेज में कितना आता है। ये सब क्राइटेरिया फैक्टर जो होते हैं ये आपको अगर कॉलेज जाने से पहले पता चल जाते हैं तो ये काफी अच्छा होता है। उसके बाद तो आप कॉलेज को और अच्छे तरीके से देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हमारा फैकल्टी डिटेल्स हम बताते हैं, ताकि आप फैकल्टी के बारे में अच्छे से जानो, और अगर फैकल्टी कुछ कमी है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा उस कॉलेज में तो आप उसमें पहले ही उसमें हमने बता दिया है। और ये चीजें हमें जो पता चलती हैं वो हमें वहां पे पढ़े हुए स्टूडेंट से पता चलते हैं। ये हमारा प्लान ए है। ठीक है, जो कि हमारे साइट पे ही आपको मिल जाएगा सब कुछ।
ठीक है, वहां पे साइट पे आके आप प्लान ए को परचेस कर सकते हो। उसके बाद प्लान बी में अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है यूपी की, तो आप हमारा प्लान बी ले सकते हो। प्लान सी में अगर आपको हमसे ऑल ओवर इंडिया की काउंसलिंग करवानी है और इंक्लूडिंग डीम्ड, तो आप प्लान सी हमारा एनरोल कर सकते हो। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख लियो तो यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और इंस्टाग्राम पे आके आप हमसे फ्री में डाउट पूछ सकते हो, आ जाओ जल्दी से इंस्टाग्राम पे, जो कि सिंपली एक्सीडेंटल डॉक्टर है, यहाँ पे आके हमसे फ्री में डाउट पूछो। थैंक यू सो मच गाइस।